Again, and today we will solve 8.3 exercise. And as usual, जैसे मैंने काफी धीमे धीमे स्लोली स्लोली ट्रिग्नोमेट्री को लेके बढ़ रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में भी आई विल प्रोसीड स्लोली स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजिली. ओके, सो डोंट वरी. बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. यू हैव टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ठीक है, जो चीज हमको देखने में पहले कठिन लगती है, द थिंग विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट इन फर्स्ट गो, बट वेन यू कीप रिपीटिंग दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन, चांसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन वन गो, टू गो और थ्री गो, प्लीज रिपीट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व. ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही, हमारे देख रहे हैं क्या क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे. अगर 8.3 में क्या है, इवेलुएट करना है हमको, क्या करना है, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3, और हमें क्या करना है, इवेलुएट. हमको करना है इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है, साइन 18 डिग्री अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी. अच्छा, अब हमको मतलब क्या है, एक चीज हमने जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर साइन है हमारे पास, अगर हमारे पास साइन है और ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, साइन है, ये कॉस है, तो जाहिर सी बात है साइन और कॉस की अकेले तो कोई वैल्यू होती नहीं है. लेकिन अगर यहां पे कुछ भी लिखा है और यहां पे कुछ भी लिखा है, ये दोनों लिखा है, तो ये जरूरी थोड़ी ना ये इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो. अगर साइन के साथ कुछ भी लिखा है, मतलब अगर साइन ए लिखा है और ये लिखा है क्या, कॉस सी, तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों इक्वल हो. इट डजंट मीन कि हर बार इक्वल होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इक्वल होंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर इक्वल हो गए तो. मैंने बोला नहीं सर, आपने बोला नहीं सर, इक्वल हो गए तो, हाँ तो इक्वल हो गए. तो जब मैंने इनको इक्वल किया, जब मैंने इनको इक्वल किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां कुछ भी लिखा हो, यहां कुछ भी लिखा हो, यहां कुछ भी लिखा हो, जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 90 डिग्री आएगा. मतलब अगर ये बराबर नहीं है कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं आप बोले नहीं सर बराबर है, तो ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बराबर हैं तो ए और सी 90 डिग्री होगा. तो जब ए और सी 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब मैं ए को भी ऐसे लिख सकता हूं और मैं सी को भी ऐसे लिख सकता हूं. ये चीज समझो आप, मैं ए को भी ऐसे लिख सकता हूँ और मैं सी को भी ऐसे लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी इक्वेशन में दोनों, इस इक्वेशन में ए को रिप्लेस करूं, अगर मैं इस इक्वेशन में ए को रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, अगर इस इक्वेशन में ए को रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी साइन 90 - a इक्वल टू कॉस सी. अगर मैं सी को रिप्लेस करता हूं, अगर मैं सी को रिप्लेस करता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 - a. देखो ये चीज थोड़ा समझो आप, तो अगर मुझे फॉर्मूला तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है साइन 90 - थीटा, अगर आपको याद करना है तो कॉस थीटा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है और ये चीज मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी. तो आपको अगर ये है, अगर तो मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा आप देख लेना, अब मैं दोबारा इसको अंडरस्टैंडिंग से ही आपकी कराऊंगा. इसका मतलब क्या है भाई, 72 को मैं लिख सकता हूं 90 - 18, या मैं 18 को लिख सकता हूं
90 माइनस 72, समझे आप? तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां साइन लिखता हूं, साइन 72 लिखता हूं, तो मुझे साइन यहां भी लिखना पड़ेगा, मुझे साइन यहां भी लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं साइन यहां लिखता हूं तो साइन मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे एंगल में गड़बड़, एंगल चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो देखना, ये लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, इस पर फर्क नहीं पड़ता, जो माइनस में लिखा है उस पर फर्क पड़ रहा है, वो चेंज हुआ। तो अगर मैं इसको कॉस क्या लिख सकता हूं, कॉस 18 डिग्री, और ये क्या हो गया, साइन 72 डिग्री। या अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉस 72 डिग्री, मतलब साइन 18 डिग्री। तो अब मैं साइन 18 डिग्री के लिए क्या लिख सकता हूं, साइन 18 डिग्री के लिए लिख सकता हूं मैं कॉस 72 डिग्री, और ये क्या हो गया, कॉस 72 डिग्री, ये क्या हो गया, 1, ये क्या हो गया, 1। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, अगर या तो आप अलग लिख दो, किसी भी तरीके से अलग कर दो, ये एक नंबर में आता भी है, ये क्वेश्चन एक नंबर में आता भी है। तो तरीका इसका ये भी हो सकता है कि सॉल्व करने का, हमने क्या लिखा, साइन 18, हम नीचे वाले को चेंज कर दें, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, जो 72 की वैल्यू थी, 72 की वैल्यू थी जो हम, अच्छा ऊपर वाले कर लेते हैं, जो साइन 18 और कॉस 72, तो हमने 18 की जगह क्या लिख दिया, 18 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 72, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वी नो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, देयरफोर जो साइन 90 माइनस 72 है वो क्या आएगा, कॉस 72, देयरफोर क्या हो गया, कॉस 72 अपॉन कॉस 72 इक्वल टू 1। ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।